इस कुरान की इज्जत करो। किसे पूछा सैयद अनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किसे बेदीन जै बंदे आके सवाल किया हजरत सैयद की शान ज्यादा है या कुरान की शान ज्यादा है? साढ़े कबीर आले दे एक मौलवी साहब आई, वो कदों दा फौत हो गया, वो नाल बैठा हा शाह साहब रहमहुल्ला दे, क्योंकि हजरत शाह साहब बहुत बड़े अल्लाह दे वली हन, संजीदा तबीयत रखण वाले हन, उन्होंने बड़े दलायल दिते, मगर वो चूंकि पूछण वाले दा मकसद हाई तसहीक करना, मकसद समझना तो है नहीं, तो जो कबीर आले दे मौली साहब बैठे हैं समझ गए, वो आखन लगे शाह जी देखे गुस्ताखी मार नाराज ना हुए है, तुसा चुप करो इस जवाब मैं देना, ये तुहाडी बोली नहीं पे समझे, मेरी बोली समझे सी, मैं दसे ना। शाह साहब बोरी मुस्करा भी पे, तो उन्हें आखे चलो ठीक है। उस मौलवी साहब उस बंदे नु आख्या दस तेरी कितनी उम्र है? उस आख्या जी तकरीबन को 45-50 साल हो सी। अच्छा उन्हें आख्या भाई ये जदन दा तू जमे है 50 साल दा तू हो गया, ये घर विच कदम दा वेखण लगा कुरान, उस आख्या जूं दा जमे है मैं इसनु वेखण लगा, यानी 50 साल हो गए मेरे घर पे, 50 साल तो कुरान नु वेखदा दा। उन्हें फरमाया इस कोई नुकसान कदा ही तो दिता है, वो समझे दे पे हो मौली साहब आखे 50 साल हो गए तुहाडे घर पे, इस कदी तुहाडे कोल किसे चीज का मुतालबा किया हो, तुहाडे माल डंगर का नुकसान किया हो, तुहाडे पैसे धक्का कोई चोरी कर ले हो, कोई नुकसान किया? बोले जी एक ही हो जी सवाल है, अल्लाह की किताब है अल्लाह का कुरान है, इसका नुकसान करना? अब उस मौली साहब आखे 50 साल हो गया इस कोई नुकसान नहीं किया, सैयद नु अपने घर च हाथ दिहाड़े टिका के देख ला। कई समझ आई रहे नहीं आई, ये 50 साल हो गए इस कोई नुकसान, ते सैयद नु अठ दिन टिकाओ जा एक दे दो ना खलोते हो ता दर्द इन गल है के नहीं? जवाब इंज नहीं मिलता है, अल्लाह फरमाता है 50 नहीं 50-100 साल तेरे घर च पिया रहे, ये तेरे उजाड़ नु मिटावन वास्ते आया है, वास्ते नु उजाड़ नहीं आया, ये तेरे घर की आबादी वास्ते आया है, बर्बादी वास्ते है। इन्हां मौलवियों को पूछ लो, डंगरा ते बीमारी आ जाए, आसन बेईमान बड़िया बड़िया मदार पुड़िया करे सन, भाने दे चवा गुठा च फिर सन, थुका सटे सन, सब कुछ करे सन, आखिरकार के आखन भाने दे बूहे दे उत्ते कुरान नु टांग के ते इधे तल्लू डंगर लगाओ, कुरान दा साया पोसी ते डंगरा दिया बीमारियां, यानी ओ भी मनदा है कुरान बड़ी बाबरकत किताब है, बड़ी शान वाली किताब है, जिसते जानवर के साया कुरान का पै जाए उसकी बीमारियां दूर कर देता है, ते ए जो 100 साल तो तेरे घर पे है तू अजे तक कंजूर क्यों बने होता है, तू बदल फर क्यों नहीं बन रहा? अल्लाह मालूम होता है इस कुरान का तो मैं हया बोलो,